हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस वी अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास टेंथ विच सब्जेक्ट पंजाबी दा स्टोरी भाग विचों लैसन नंबर 4 दूध दा छप्पड़ पढ़ा जा रही हाँ। एक भाग यदा पहले पढ़ा चुके हाँ, दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। 143 नंबर पेज ते अपनी बुक खोलोगे, 143 नंबर बुक पेज ते दुध दा छप्पड़ कहानी विच लाल ते दयाल दो भरा हुंदे हन। लाल ते दयाल दो भरा जो चाचे ताए दे मुंडे हुंदे हन, ओह इकट्ठे रहिंदे हन, इकट्ठे कम करदे हन, वाही इकट्ठी करदे हन। लाल खेतां विच कम करदा है ते दयाल घर विच रह के पिंड दे कम करदा है। ते पिंड विच सारा दिन फिरदा रहिंदा है, घर दे काम करवा दिंदा है। लाल खेतां विच काम करदा है, इक नाल काम रख रखे उन्होंने, मिलजुल के खेती कर रहे हैं। पर लाल दी बुट्टी भी सोचती है कि कदी उसका घर वाला भी घर आवे ते वह भी उसनों दुध पावे ते चिट्टी पग नूं मावा ला के देवे। वह उसनों बहुत बार कहती कि तू आ जाया कर। लाल कहिंदा कि मैं आ गया तां कि है, दयाल आ गया तां कि है। फिर वह उसनू कहिंदा कि मैं जरूर आऊँगा। इस तरह चलती रहिंदा है। बाद विच एक दिन जदों वाडियां वेले एक मुंडा भरी लिया रहा हुंदा है, तां उसनू पुछन ते वह खेत दे खेत है जो दयाल दे खेत का नाम लैंदा भी उत्थों लिया आ। तां लाल नूं लगदा कि मेरा नाम है जो भोएं तो मिट रहा है। वह फिर अड्रे होने का फैसला करता है। इस तरह कहानी अगे बढ़ती है, दोनों च वैर पै जाता है। दोहां दे पशु एक दूजे दे खेत वड़ जाते हैं तो दोनों लड़न फिरते रहते हैं। लाल हुण जदों दयाल दा कुछ नहीं कर सकता तो बड़ा खुश हुंदा है ते अपने पैर नूं बड़े पौं ते टका के तुरदा है ते उसके बच्चे उन्होंने डाढ़े प्यारे लगे लग जाते हैं। 143 नंबर पेज ते हुण लास्ट लाइन तो पढ़ांगे। फिर एक रात कुछ किनमिन जही पई। किनमिन दे आलस तो लाल ने तम्मी वेले उठ के मझ नूं पट्ठे ना पाए। पट्ठियां दी हेस विच मझ संगल खिच के मीह नाल ढिल्ला होया, किला पटा गई। चंगे दिन चढ़े, उठ के लाल बारों सड़क तो मझ लभ के ते अगे वंड पा के चौन बह गया। मझ दा पसमाझ बहुत ढिला सी, किसे पहला चोल ही हुई जापती सी, जिमें वंड दे लालच नूं ही दूजी बार मिल रही सी। पर कोई कौन इनू चो सकता सी, दयाल तो बिना ते हे किसे तो मिलती नहीं सी। बस दयाल ने ही चोई सी, चार चार धारा मारन पिछों सारे थान खाली हो गए। गड़वे विच तीन चार छन्या दी थां मसां एक छन्ना दुध सी, हुण की बनेगा। दयाल ने ते बहुत ही मूर्खता कीती सी, अपनी वोटी नूं लाल की कहे। वह जानती सी कि दयाल तो बिना यह मझ किसी तो मिलती ही नहीं सी। दयाल तो अपनी मझ चबा के वह अपनी वोटी सामने चुप करके किस तरह बैठ सकता सी। हो सकता सी कि लाल उस नाल उच्ची नीवी गल करे ते दयाल अगे वांग नीची खिंच लवे ते इस तरह लाल दी इज्जत बच जावे। शायद वह डंग सोटे नाल उसका बूहा भी ठकोर सके। पर घर ते उसदे दो जवान साले आए हुए सन, वह ते उसनू बूहे दे नेड़े भी नहीं आउण देणगे। लाल बैठा मझ नूं होर पसमांदा रहा, पर कोई बहुतियां धारां थणां विच ना आईयां। अखीरले डोके भी हुण सुक चुके सन। अचनचेत यानी अचानक लाल नूं इक फुरना फुरिया। डुल्ले होए दुध बारे इह अंदाजा लाउणा औखा हुंदा है कि इह किन्ना कु सी। थोड़ा दुध भी डुल्लिया होया बहुत ज़्यादा लगता है। जे वह गड़वे वाला दुध डोल देवे तो वह अपनी वोटी नूं कह सकता सी कि मझ ने लत मार के डोल दिता।
हथ विच फड़िया गड़वा उसने मुद्दा कर दिता। मीह नाल सारे थां चिक्कड़ होया होया सी ते किधरे किधरे पानी दियां निक्कियां निक्कियां छप्पड़ियां, यानी पानी रुकिया पिया सी, इंज लग रहा सी छोटी छोटी छप्पड़ियां बनिया होना, छप्पड़ियां भी बनिया हुई सन। यह गिल ते पानी करके डुल्या दुध बहुत सारा लगता सी। लाल अपने काम ते संतुष्ट सी, उन्हें दुध डोल दिता ता जो अपनी पत्नी तो लड़ाई तो बच जावे। दुध ते डुला दिता है, अज पीड़ जोगी ने उस आके वोटी नू कहा, हाय हाय किस तरह, वो कहती अगों हाय हाय किस तरह डोलता दुध, बस लत चुक के मारी सू गड़वे ते, ते गड़वा मुद्दा हो गया, मुद्दा यानी उठा हो गया। दो सोटी नहीं मारी देहो जी मज नू, वोटी नू अठ पहर दुधों सखने रहन तो खिजा रही सी, नहीं मारना की है, किते मक्खी डंग चा मारे तो डंगर काला पै जांदा है ते विचारी असील। चुल्हे अगों उठ के वह मज कोल गई, असाधारण हालत विच चीज वेखन नू हर एक दा जी करदा है, जिवें डिगे हुए का जहाज जा उल्टे हुए ट्रक जा डुले हुए दुध नू। हाँ किन्ना दुध सी, छप्पड़ लगा होया है दुध दा। यह उस कह के लाल नू ठंड पा दित्ती, यानी लाल नू लग्या कि अगर उसने कह दिता कि अज मझ जो पहला चोई जा चुकी है ते दयाल ने चो ली है, दयाल दा नाम ना लवे तो भी उसनू पता ही सी उसकी वट्टी नू कि दयाल तो सिवा ये मझ किसी होर तो नहीं मिलती, इसलिए उसने ये तरीका सोचा कि उसने दुध डोल दिता। मीह पिया होया सी, मीह कए पए करके इस तरह लग रहा सी जिवें दुध बहुत सारा होवे, तो उहदी वट्टी आके कहिंदी है कि किन्ना दुध सी, छप्पड़ लग्या होया दुध दा, क्योंकि दुध ज़्यादा लगन लग गया ना। इस तरह उसने लड़ाई होने तो बचा ली। हुण इस दे प्रश्न उत्तर करांगे। ज़्यादातर प्रश्न उत्तर तुसी समझ ही चक्के होगे, ये तुसी करोगे अपनी नोटबुक च, तो इसनों अपनी तरफों भी बना के लिख सकते हो, पर मैं तुहानू बोल के करवाऊंगी। हुण तुसी अपनी नोटबुक पेन लैओगे तो उस विच लिखोगे। पहला प्रश्न है, बुक पेज 145 ते हैं, तुसी अपनी बुक भी खोल सकते हो नाल। पहला प्रश्न है, लाल ते दयाल दा आपस विच की रिश्ता सी, उन्हां नूं इकट्ठे काम करन दे की फायदे सन। पहला प्रश्न है, लाल ते दयाल दा आपस विच की रिश्ता सी, उन्हां नूं इकट्ठे काम करन दे की फायदे सन। उत्तर लिखो इसका। लाल ते दयाल चाचे ताए दे पुत्र सन, चाचे ताए दे पुत्र सन, ओहो दोवें इकट्ठे ही वाही दा काम करदे सन, ओहो दोवें इकट्ठे ही वाही दा काम करदे सन, उन्हां नूं इकट्ठे काम करन दा की फायदा सी, उन्हां नूं इकट्ठे काम करन दा यह फायदा सी कि एक जना कामे नाल, कामा कौन खेत च काम करन वाला, उहदे नाल रल के खेत दा काम करदा ते दूजा घर ते पिंड दे निक्के निक्के मोटे काम कर दिंदा। की फायदे द्वारा सुनो इस प्रश्न नू, दे उत्तर नू द्वारा सुनोगे कि लाल ते दयाल चाचे ताए दे पुत्र सन, ओहो दोवें इकट्ठे ही वाही दा यानी खेती दा काम करदे सन, उन्हां नू इकट्ठे काम करन दा यह फायदा सी कि एक जना कामे नाल रल के खेत दा काम करदा ते दूजा घर ते पिंड दे निक्के 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 मोटे काम कर लैंदा सी। लिख लिया सब ने। सैकेंड क्वेश्चन अपनी बुक चो देख के लिखो कि दयाल नू घर फिरदा वेख के लाल दी वोटी
की सोचा सोचती सी। दयाल नू घर फिरदा वेख के लाल दी वोटी की सोचा सोचती सी। इस प्रश्न का उत्तर भी की सोचा सोचती है दा 140 नंबर पेज ते है। लास्ट लाइन च है। पहले क्वेश्चन जो लिखोगे कि लाल दी वोटी सोचती सी कि जे कदी लाल भी इसे वेले घर आवे घर आ सके तां हो उसनू दुध पा के देवे पिंड विच जान लई उसनू चिट्टे चिट्टे कपड़े पावे पुआवे ते उसके कपड़े पांदियां नू झटपट उसकी पग नू माया ला के देवे। प्रश्न का उत्तर है बुक पेज 140 तो स्टार्ट होंदा है। बुक पेज 140 ते लास्ट लाइन जे कदी लाल भी इसे वेले घर आ सके तां हो उसनू दुध पा के देवे पिंड विच जान लई उसनू चिट्टे चिट्टे कपड़े पावे ते उसते कपड़े पांदियां नू झटपट उसकी पग नू माया ला देवे। इत्थों तक करना है इसका आंसर। अगे थर्ड नंबर क्वेश्चन करांगे। प्रश्न नंबर तीन लाल अपनी वोटी वालों दयाल प्रति मिले गुलामे का जवाब किवें दिंदा सी। लाल अपनी वोटी वालों दयाल प्रति मिले गुलामे का जवाब किवें दिंदा सी। उत्तर लिखो इसका। लाल दी वोटी उसनू यही कहती रहती सी कि ओहो तां हमेशा मिट्टी नाल मिट्टी होया रहिंदा है कि ओहो तां हमेशा मिट्टी नाल मिट्टी होया रहिंदा है पर दयाल सरदार बन के पिंड तुरिया फिरदा रहिंदा है। पर दयाल सरदार बन के पिंड तुरिया फिरदा रहिंदा है। ओहो लाल नूं हमेशा यही कहिंदी सी कि ओह भी कदे पिंड आ जाया करे। ओह लाल नूं हमेशा यही कहिंदी कि ओह भी कदे पिंड आ जाया करे। तां लाल हस के आख छड़दा हला मैं आ जाया करांगा। एदे च केड़ी गल है की कहिंदा सी कि हला मैं आ जाया करांगा एदे च केड़ी गल है। वापिस फिर इसका उत्तर एक भी मैच कर लो। लाल दी बोटी उसनू यही कहती रहती सी कि ओह तां हमेशा मिट्टी नाल मिट्टी होया रहिंदा है पर दयाल सरदार बन के पिंड तुरिया फिरदा रहिंदा है। ओ लाल नू हमेशा ही कहती है कि ओह भी कदे पिंड आ जाया करे। तो लाल हस के की कहिंदा कि जवाब दिंदे उलामे दा कि हला मैं आ जाया करांगा एदे च केड़ी गल है। इस तरह ओह अपनी वोटी नू बलजा लैंदा ते उसनू कहिंदा सी आ जूंगा तां की है। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर। लाल ते दयाल केड़ी गल कारण अडरे होए। लाल ते दयाल केड़ी गल कारण अडरे होए। ये तुहानू मैं किन्नी बार लैसन पढ़ाया जदों दस ही चुकी हाँ हुण इहदा लिखोगे आंसर। एक दिन वाडियां पिछों परी लियांदे मुंडे ने जदों यह कहा कि यह परी
दयाल दे खलवाड़े चो लियाए हाँ, दयाल दे खलवाड़े चो लियाए हाँ। ताही सुन के लाल नू गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि वो सोचता सी, यह सुन के लाल नू गुस्सा चढ़ गया क्योंकि वो सोचता सी कि खलवाड़ा, खलवाड़ा यानी खेत सांझा होने के बावजूद भी, सांझा होने के बावजूद भी दयाल का नाम वज रहा सी, दयाल का नाम वज रहा सी, काम विच रुचे हुए, काम विच रुचे हुए लाल नू अपना ना, अपना ना अपनी पौएं तो, अपना ना अपनी पौएं तो मिटदा जापन लगा, इसलिए उसने अडरे होने का फैसला कर लिया, इसलिए उसने अडरे होने का फैसला कर लिया। वापिस फिर देखोगे इस प्रश्न के उत्तर नू। एक दिन वाडिया पिछों परी लियांदे मुंडे ने जदों यह कहा कि यह परी दयाल दे खलवाड़े तो लियाए हाँ, तो यह सुन के लाल नू गुस्सा चढ़ गया क्योंकि वह सोचता सी कि खलवाड़ा सांझा होने के बावजूद भी, खलवाड़ा सांझा होने के बावजूद भी दयाल का नाम बज रहा सी, काम विच रुझे होन करके रुझे हुए लाल नू अपना ना पौए तो मिटदा दिसिया, ते उसनू मिटदा जापन लगा, इसलिए उसने अडरे होने का फैसला कर लिया, इसलिए उसने अडरे होने का फैसला कर लिया। उन्हें चार क्वेश्चन है, तुसी अपनी नोटबुक च करने हैं, तो इन्हों समझना भी है, अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। तो अगले दो तीन क्वेश्चन तो होर एक टॉपिक ग्रामर का व्याकरण का अगले वीडियो कराऊंगी। अपनी नोटबुक, बुक, पेन वगैरह नाल रखोगे और अपने नाम नाल याद करोगे काम नू। ये चौथा लैसन चल रहा, मैं उम्मीद है पहले तीन लैसन के प्रश्न उत्तर तुसी कर लिया होने, सार वगैरह भी कर लिया होने, तो अगे भी इन्हों करते रहना, पढ़ना है। बोर्ड की क्लास है तुहाडी, हुणे तैयारी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।